पढ़ने वाले हैं टॉपिक का जो नाम है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कौन कौन बंदा पार्टनर नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन कौन बंदा पार्टनर बनने के लिए लायबल नहीं होता है, ये आपको ज़रा सबसे पहले समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। माइनर वो होता है जो 18 साल से कम का होता है। पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड का मतलब होता है एक पागल व्यक्ति जो कि मेंटली जो है ठीक नहीं है, उसको कहते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड। अब अपने दोस्तों को मत चिढ़ाना कि कहीं तुम उसको बोलो तू वह पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड है। पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड का मतलब है पागल व्यक्ति जो अपने होश आवाज में नहीं है, ठीक है। या पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब उनने पहले ही ऐसे कोई कांड कर रखे हैं जिसको कानून ने ही मना कर दिया कि भाई अब ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता। या इनसॉल्वेंट पर्सन, इनसॉल्वेंट पर्सन जो है वो, इनसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? कक्षा 11वीं में बेटा हमने अकाउंट्स के अंदर दो टर्म्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं जिसके ऊपर हमारा सारा का सारा चैप्टर बेस है, ठीक है। मैंने आपको ये सिखाया कि अगर किसी भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उस डीड के अंदर, उस संलेख के अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखित में लिखी हुई होंगी कि भाई क्या करना है, प्रॉफिट कैसे बटेगा, किस पार्टनर को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जो है चार्ज करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई होंगी। लेकिन हमें ये पढ़ना है बेटा जिस पार्टनरशिप के अंदर डीड ही नहीं बनी होती, क्योंकि मैंने बोला भाई डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है कि साझेदारी के अंदर साझेदारी संलेख हो, बिना डीड के भी पार्टनरशिप हो सकती है। तो जिस पार्टनरशिप के अंदर डीड ही नहीं होती वहाँ पे इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो ये समझिए। टॉपिक का नाम है प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस लाइन का ये मतलब है बेटा कि जिस भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती वहाँ पे क्या लागू होता है, वहाँ पे लागू होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जिसके अंदर होगी वहाँ तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर नहीं होगी, जिस पार्टनरशिप के अंदर डीड ही नहीं होगी वहाँ पे जो रूल एप्लीकेबल होंगे, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो रूल लिखे हुए हैं वो बेटा अप्लाई होते हैं, ये इस टॉपिक का मतलब है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि उस साझेदारी के अंदर साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है उस पार्टनरशिप के अंदर, तो अब यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो जो प्रोविजंस बने हुए हैं, तो पांच पॉइंट है बेटा, पांच जो इस चैप्टर के पिलर हैं, ये पांच पॉइंट आपको घोल के पी जाने हैं क्योंकि इसी के ऊपर हमारा सारा का सारा चैप्टर बेस है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल दीज प्रोविजन आर एज अंडर। तो ये कह रहा है भाई जिस भी पार्टनरशिप के अंदर डीड नहीं होगी उसके अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं वो प्रोविजन जो है लागू होंगे, वो प्रावधान लागू होते हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। तो बेटा ये पांच पॉइंट, ये पांच इसी के बेस पे सारा का सारा अकाउंटिंग, सारा का सारा लेखांकन इसी के बेस पे होगा। हमें ये पांचों के पांचों पॉइंट घोल के पी जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको पांच कंपोनेंट की ट्रीटमेंट बताई गई है, पांच। जैसे कि सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। जब किसी भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, अगर डीड होगी बेटा तो डीड में लिखा रहेगा कि भाई इनका रेशो ये है, 3:2 है, 2:2, मतलब प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में बांटेंगे, अगर डीड होगी तो डीड में लिखा रहेगा। लेकिन अगर डीड नहीं है तो फिर जो प्रॉफिट हुआ है, जो लॉस हुआ है, जो लाभ हुआ है, जो हानि हुई है, वो पार्टनर किस रेशो में बांटेंगे? ऐसे तो लड़ लड़ेंगे वो कि
कि भाई अबे मैं क्यों ज्यादा लॉस लूँ, तू ले ले ज्यादा लॉस, या प्रॉफिट हुआ है तो मेरे को ज्यादा दे, तू अपना कम ले ले, ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी। तो भाई इसका समाधान क्या है? अगर डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि अगर डीड नहीं है तो भाई प्रॉफिट और लॉस इक्वली इक्वली शेयर होता है पार्टनर्स के बीच में। तो ये बात आपको घोल कर पी जानी है कि प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होता है, इक्वली इक्वली इक्वली। इक्वली का मतलब होता है, मान लो मेरी पार्टनरशिप के अंदर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और सुरभि और मैं पार्टनरशिप कर रहे थे, तो भाई 5,000 रुपये का सुरभि का प्रॉफिट है और 5,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। अगर चाहे 20,000 रुपये का लॉस हो गया तो भाई 10,000 रुपये सुरभि भरेगी और 10,000 रुपये मैं भरूंगा। ये होता है इसका मतलब इक्वली का। अच्छा जी, तो पहला बेटा पांच कंपोनेंट की ट्रीटमेंट आपको घोल के पी जानी है, ठीक है। दूसरा जो है बेटा कंपोनेंट, ये है एडवांस लोन बाया पार्टनर। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले लिया, किसी पार्टनर से जो है क्या कर लिया, किसी पार्टनर से लोन ले लिया और उसके पास डीड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बेटा डीड होती है, पहले हम समझते हैं अगर डीड होती है, तो अगर डीड होगी बेटा तो डीड के अंदर जितना भी लिखा होगा, डीड के अंदर लिखा है कि भाई अगर किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पर 10% का ब्याज दे दो, दे देंगे। 15 लिखा है दे देंगे, 20 लिखा है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जब डीड नहीं होती और कोई पार्टनर फर्म को लोन दे दे, तो ऐसी सिचुएशन में कितना ब्याज फर्म को पे करना पड़ता है? आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ऐसी सिचुएशन में 6% पर एनम का फर्म जो है पार्टनर को क्या करती है, फर्म जो है पार्टनर को ब्याज पे करती है जो भी उसने उससे लोन लिया है। तो ये क्या टॉपिक है? दूसरे मुद्दे का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, बेटा ध्यान से सुन लीजिए, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, पार्टनर ने दिया है फर्म को, ठीक है, यानी कि फर्म ने लिया है पार्टनर से और डीड नहीं है, तो डीड नहीं है तो उस पर कितना ब्याज जाएगा? अगर डीड होती तो लिखा रहता, लेकिन अभी नहीं है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि ऐसी सिचुएशन में फर्म को 6% का ब्याज पार्टनर को देना पड़ेगा। दूसरा कंपोनेंट है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आती है तीसरे कंपोनेंट के रिगार्डिंग। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल क्या होती है, पूंजी किस चीज़ को कहते हैं। अबे भाई जो भी ओनर होता है, जो पार्टनर है, उन्होंने जितना भी पैसा लगाया है, जितना भी रोकड़ा लगाया है अपने बिजनेस के अंदर, वो पूंजी है, वो कैपिटल है। अच्छा, कैपिटल लगाते हैं, उस पे जो ब्याज मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो अगर बेटा डीड होती तो डीड में तो रिटर्न में लिखा रहेगा कि भाई 10% का देना है, 12 का देना है, 15 का देना है, तब तो लिखा रहेगा रिटर्न में। लेकिन हमें ये पढ़ना है कि जब डीड नहीं है तो क्या करेंगे? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप के अंदर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता जब डीड नहीं होती, क्योंकि ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर प्रावधान है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले मुद्दे की। अगला जो मुद्दा है बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है बेटा? इंटरेस्ट, जैसे एक फर्म है और एक पार्टनर है, ठीक है, एक साझेदार है और एक पार्टनर है, इनने बेटा कैपिटल लगाई, पैसा लगाया, ठीक है, तो उस कैपिटल के बदले में फर्म पार्टनर को क्या करती है? जो इंटरेस्ट पे करती है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे बेटा फर्म पे करती है, ठीक है, फर्म क्या करती है? फर्म पे करती है इंटरेस्ट किसको? पार्टनर को। अब जरा दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा ड्राइंग का। ड्राइंग किस चीज़ को कहते हैं? आरण किस चीज़ को कहते हैं? जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल लेता है तो भाई उसको हम ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए
एक फर्म है और एक पार्टनरशिप है। मान लो सुरभि ने पैसे निकाल लिए, ठीक है, सुरभि और मैं पार्टनर थे और सुरभि ने फर्म से पैसे निकाल लिए। कितने पैसे निकाल लिए? 10,000 रुपये निकाल लिए सुरभि ने कि भाई जा रहा है शॉपिंग पे, शॉपिंग करेगा भाई, टॉप वॉप खरीद के लाएगा, कपड़े नहीं है भाई के पास। तो अब ये जो इनने 10,000 रुपये निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो बेटा ये चीज़ ड्राइंग कहलाएगी। अब ये बेटा पैसा इसका नहीं था जो इसने निकाल लिया, ये पैसा फर्म का था, ठीक है, तो ये जो अमाउंट इसने निकाला है ये ड्राइंग है। तो इस पे बेटा आपको ध्यान रखना है, इस पे सुरभि को ब्याज देना पड़ेगा, इस पे सुरभि को उल्टा ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये पैसा इसका थोड़ी है जो इसने निकाल लिया, ये तो फर्म का पैसा है, तो ये सुरभि को देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को फर्म को पे करना पड़ता है। ध्यान से समझिए मेरी वर्ड्स को, मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टनर को फर्म को देना पड़ता है इंटरेस्ट, पार्टनर पे कर रहा है यहाँ पे, और मिल किसको रहा है? फर्म को मिल रहा है बेटा। जबकि अभी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको क्या समझा रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मान लीजिए कि ये फर्म है, ये पार्टनर है, इनने कैपिटल लगाई और फर्म पे कर रही है पार्टनर को, यहाँ पे फर्म पे कर रही है, यहाँ पार्टनर को मिल रहा है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को पे करना पड़ता है फर्म को, फर्म को देना पड़ता है। और क्यों देना पड़ता है? क्योंकि भाई वो पैसा उसका नहीं था जो पार्टनर ने निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अगर बेटा डीड होती है तो डीड में तो लिखा रहता है कि भाई कोई भी पार्टनर अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है तो भाई उससे इतनी ड्राइंग को, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेना। लेकिन बेटा हमें ये पढ़ना है, जिस पार्टनरशिप के अंदर डीड ही नहीं होगी उसमें फिर क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज। बेटा ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ था, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ, ऊपर लिखा था अलाउ और यहाँ लिखा हुआ है चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, नो इंटरेस्ट इज टू बी ए चार्ज, इसका मतलब फर्म पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकती। ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर, मतलब कि अगर किसी भी पार्टनरशिप के अंदर डीड नहीं होती तो बेटा फर्म को कोई भी राइट नहीं होता कि भाई वो जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है उस पे वो पार्टनर से जो है इंटरेस्ट ले सके। जब डीड नहीं होती ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेती है, ना देगी ना लेगी। क्या नहीं देगी और क्या नहीं लेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है पार्टनर को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेती है पार्टनर से। तो जब डीड नहीं है तो प्रावधान क्या है कि भाई कोई कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी इसकी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की होगी बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 6% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है साल का 6%। अगर किसी भी फर्म ने पार्टनर से लोन ले लिया और डीड नहीं है तो प्रावधान ये है फर्म को देना पड़ेगा। बेटा फर्म देगी क्योंकि फर्म ने लोन लिया है, ध्यान रखिएगा सारी टर्म्स में कहाँ कहाँ बोल रहा हूँ। और लास्ट कॉम्पोनेंट है बेटा, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल फॉर एनी सैलरी कमीशन और एनी अदर रिम्यूनरेशन। जब बेटा किसी भी पार्टनरशिप के अंदर डीड नहीं होती है और कोई भी पार्टनर अगर ये बोले कि भाई मेरे को तो सैलरी चाहिए या मेरे को कमीशन चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जब डीड नहीं होती तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये प्रावधान है कि ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी पार्टनर, इंटाइटल का मतलब होता है बेटा हकदार, कोई भी साझेदार, कोई भी पार्टनर ना तो सैलरी का हकदार होता है, ना कमीशन का हकदार होता है और ना ही किसी भी अदर रिम्यूनरेशन का हकदार होता है, कुछ नहीं मिलता कुछ भी। तो ये 5 पॉइंट बेटा इस चैप्टर के पिलर हैं। आगे हमें जो भी अकाउंट बनाने हैं उनमें हमें बेटा इन्हीं 5ों टर्म्स की ट्रीटमेंट करनी है। प्रॉफिट और लॉस है, इंटरेस्ट है, कैपिटल है, ड्राइंग है, सैलरी है और कमीशन है। मैं एक दोबारा बता रहा हूँ, रिकैप ध्यान से सुन लीजिए, बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा। प्रॉफिट और लॉस इक्वली बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, बस ये ध्यान रखिएगा। जब भी किसी पार्टनरशिप के अंदर डीड नहीं होती है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट और लॉस इक्वली, और अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो 6% का ब्याज जाएगा,
बाकी जो ये तीनों पॉइंट हैं इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना कोई सैलरी, ना कोई कमीशन, ना ही कुछ कुछ भी चीज़ें नहीं दी जाएगी। ये पांच चीज़ें आपको घोल कर पी जानी है, जो इस चैप्टर की मेन चीज़ है। आगे जितनी भी अकाउंटिंग होगी, जितना भी लेखांकन होगा, वो सब इन्हीं पांचों पॉइंट पे होगा, क्योंकि हमें यही पढ़ना है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर डीड नहीं होगी, तो हमें यही सब पढ़ना है। ऐसा हो भी सकता है, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन है, एक है डीड होगी, एक है डीड नहीं होगी। तो अगर डीड होगी तो डीड में लिखा होगा कि क्या क्या है, और जब डीड नहीं होगी तो हम ट्रीटमेंट तो तब करेंगे ना जब हमें पता होगा कि जब डीड नहीं होती तो क्या ट्रीटमेंट होती है। तो ये पांच बातें आपको घोल कर पी जानी है। अब हम एक बेटा लास्ट वर्ड की बात कर रहे हैं। ये लास्ट वर्ड जो है इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। सीमित सीमित दायित्व वाली साझेदारी क्या होती है? सीमित दायित्व वाली साझेदारी LLP कहते हैं। ये भी कई बारी एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स की पूछी जाती है। देखो बेटा, अभी मैंने आपको ऊपर में समझा रहा था कि जो पार्टनरशिप होती है ना बेटा, उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि भाई उसके अंदर जो लाइबिलिटी होती है ना पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर लॉस हो गया तो घर का बर्तन भांडा सब बिक जाएगा उस लॉस को बियर करने के लिए। लेकिन बेटा एक पार्टनरशिप का एक और टाइप है जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके नाम पे क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि अनलिमिटेड नहीं होगी। जितना पैसा इंट्रोड्यूस किया गया है उतना ही जो है बियर करेगा, उससे ज़्यादा बियर नहीं करेगा, इसलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। कह रहा है LLP इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये एक ऐसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। कह रहा है ये एक ऐसी पार्टनरशिप की एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसा रूप है जहाँ पे या तो सभी पार्टनर्स की या कुछ पार्टनर की जो लाइबिलिटी है, जो दायित्व होता है, वो क्या होता है? सीमित होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। एंड इन एन LLP वन पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर और ऑल लाइबल फॉर अनदर पार्टनर मिसकंडक्ट। और इसका मतलब ये है कि भाई सबसे पहली बात तो इनकी जो एंटिटी होती है बेटा, यहाँ पे देखेंगे सेपरेट एंटिटी होती है पार्टनर से, मतलब पार्टनर अलग हैं और पार्टनर्स अलग हैं और पार्टनरशिप फॉर्म अलग है। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व अलग है उसका, ठीक है। मतलब जो भी बिजनेस के अंदर एसेट और लाइबिलिटी हैं वो किसके हैं? वो पार्टनरशिप के हैं, ना कि पार्टनर के। इसका मतलब होता है सेपरेट एंटिटी, के ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो यहाँ पे सभी पार्टनर की या कुछ पार्टनर की लाइबिलिटी सीमित होती है। यहाँ पे पार्टनर्स की सेपरेट एंटिटी होती है पार्टनरशिप से, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, सब एक पार्टनर जो भी काम करेगा उसके लिए ये लिखा हुआ है कि भाई सभी पार्टनर, या जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सभी की तरफ से कोई एक काम, और यहाँ पे ये मिनिमम दो बंदे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक अकेला बंदा जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का निर्माण नहीं कर सकता है। ये सारी बातें आपको जो है ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसका मीनिंग भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है जी।